नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंद्रधनुषी दुनिया बच्चों में नैतिक शिक्षा का विकास करने के लिए और उनके संपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध है। तो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी गतिविधियां बच्चों के साथ करें कि उनका जो समय है वो स्क्रीन के साथ कम से कम गुजरे और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो और निखर कर आए, उनकी रचनात्मक क्षमता का विकास हो और वे अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ सकें, घुल मिल सकें और अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। तो दोस्तों, इसीलिए आप सबके साथ कुछ बच्चों के साथ होने वाली मज़ेदार गतिविधियाँ, कुछ रचनात्मक खेल और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। Hi, myself Sanjay. Today I'm going to make atta cake. So let's start. आटा केक बनाने के लिए मुझे ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 3/4 कप आटा, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/4 कप तेल, 3/4 कप पानी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आटा ले लिया है, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मैंने चीनी डाल दिया है, अब मैं ये सोडा डालूंगी, ये बेकिंग पाउडर। पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पानी मैंने हल्का सा गुनगुना लिया है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल अनफ्लेवर्ड यूज करना है या फिर व्हाइट बटर या फिर सिंपल बटर का यूज करना है। अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से निकाल लूंगी और केक में इसे डाल दूंगी। अब मैं इसमें वैनिला एसेंस ऐड करूंगी और मैं इस स्पैचुला से इसे कॉटन फोल्ड मेथड में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। केक का पैकेज रेडी हो गया, मैं इसे साइड में रख दूंगी। अब मैं सिलिकॉन मोल्ड लूंगी और हम इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया, मैं इसको एकदम साइड में रख दूंगी। अब सिर्फ हमें इसमें नींबू का रस ऐड करना है। सबसे लास्ट में हमें नींबू का रस ऐड करना है, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसे भी मैं वापस कॉटन फोल्ड मेथड में अच्छे से मिक्स कर लूंगी और नींबू का रस डालने के बाद हमें इसे तुरंत ही बेक करने के लिए रखना है। अब मैं इसे मोल्ड में अच्छे से ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैंने इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर लिया, वो हमें इसे अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि सारे इसके एयर बबल्स अच्छे से निकल जाएं। अब मैं इसे माइक्रोवेव मोड में बेक कर लूंगी। मेरा केक रेडी है। Thank you.